जय जिनेंद्र, आज के कथा विभाग में हम सुनेंगे महाराज कंस के बारे में। मथुरा नरेश कंस क्यों बने ऐसे क्रूर प्रवृत्ति वाले? एक बार की बात है, महाराज उग्रसेन क्रीड़ा के लिए बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तपस्वी मिले। राजा ने उन तपस्वी को अपने यहाँ पारने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन राजा कोई न कोई काम में व्यस्त रहते और तपस्वी को पारना कराना भूल जाते। ऐसा कई बार हुआ, जब भी वे तपस्वी को पारने के लिए बुलाते, कोई न कोई ऐसा काम आ जाता और वे पारना करा नहीं पाते थे। तपस्वी को यह अपना अपमान लगा कि मुझे बार बार बुलाकर पारना नहीं कराते, तो तपस्वी ने निदान कर लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि मेरे तप का फल हो तो मैं दूसरे भाव में इनका दुखदायक बनूं, इन्हें कष्ट देने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला बनूं। और निदान के प्रभाव से ऐसा ही हुआ। वह तपस्वी मरकर महाराज उग्रसेन की पत्नी धारिणी के गर्भ में आया। गर्भ में आने के बाद रानी के मन में भाव जगे कि मैं अपने पति के हृदय का मांस खाऊं। रानी को दुख हुआ, परंतु मंत्री की चतुराई से यह दोहद पूर्ण कर दिया गया। पुत्र के जन्मते ही राजा उग्रसेन ने सोचा कि यह पुत्र गर्भ में आते ही क्रूर विचारों वाला है, तो आने वाले समय में और भी दुखदायी हो जाएगा। उन्होंने जन्मते ही अपने नाम की मुद्रिका यानी निशानी पहनाकर कांसी के पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया। वह पेटी बहते बहते शौरीपुर नगर में पहुंची। वहां पर एक सेठ सुभद्र की नजर उस पेटी पर पड़ती है। वह पेटी को निकालकर खोलते हैं और देखते हैं, यह बालक इसमें कैसे? कांसी की पेटी में होने से उसका नाम कंस रखा गया। बच्चा जन्म से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, कोई बात मानता नहीं था। उससे तंग आकर पालक पिता ने वसुदेव राजा को उनके कुमारों की सेवा के लिए उस बालक को सौंप दिया। वसुदेव जी के भाई समुद्र विजय जी शौरीपुर नगर के राजा थे। वह जरासंध प्रति वासुदेव के अधीनस्थ थे। एक बार जरासंध के दूत ने आकर समुद्र विजय जी को संदेश दिया कि सिंहपुर नगर के राजा बड़े ही दुस्सह और दुर्मत हो गए हैं, उन्हें बंदी बनाकर जरासंध जी के सामने प्रस्तुत करना है। और यह भी कहा कि जो भी उनको बंदी बनाकर लाएगा, उसके साथ जरासंध जी अपनी कन्या का विवाह भी करेंगे, वे साथ में एक समृद्ध नगर भी देंगे। समुद्र विजय जी को एक निमित्तज्ञ यानी जानकार ने बताया कि जरासंध की पुत्री पति व पिता दोनों कुलों का नाश करने वाली निम्न लक्षणों वाली नारी है। जरासंध जी की अवहेलना भी वह नहीं कर सकते थे। बहुत सोच विचार कर उन्होंने वसुदेव जी के साथ सेवक कंस को भी सिंहरथ राजा को बंदी बनाने के लिए भेजा। वसुदेव जी ने सिंहरथ को तो बंदी बना लिया, लेकिन कंस की क्षत्रियोचित वीरता देखकर हतप्रभ हो गए, चकित हो गए और भ्राता समुद्र विजय जी को सारी बात बताई। समुद्र विजय जी मन ही मन मुस्काए, क्योंकि वह तो जानते थे कि वह राजकुल में जन्मा हुआ राजकुमार है। जरासंध के सामने बंदी राजा को प्रस्तुत किया गया। प्रसन्न होकर के जरासंध ने वादे के मुताबिक अपनी पुत्री के लगन की बात की, तो दोनों भाइयों ने कंस की वीरता को श्रेय दिया कि इन्हें बंदी बनाने में इस वीर का योगदान है। इसका कंस मन ही मन अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता से भर गया। जब जरासंध ने कंस के वंश की बात जाननी चाही, तो समुद्र विजय जी ने कहा, महाराज, यह पराक्रमी राजकुमार यादव वंशी मथुरा नरेश उग्रसेन का पुत्र है। कंस का यह परिचय सुनकर सभी चौंक गए, स्वयं कंस भी चौंक गया। फिर समुद्र विजय जी ने, जो कि नेमिनाथ भगवान के पिता थे, सारी बात उसके जन्म से संबंधित विस्तार से बताई कि वह कैसे जन्मा, वह कैसे वसुदेव जी की सेवा में पहुंचा। कंस का विवाह जीव यशा के साथ धूमधाम से हो जाता है, लेकिन कंस पूर्व निदान के कारण उग्रसेन जी पर क्रोधित होता है। जरासंध ने उससे कहा कि बोलो, मेरे राज्य का कौन सा नगर चाहिए तुम्हें? तो कंस ने कहा, मुझे तो मथुरा का राज्य चाहिए। जरासंध ने कहा कि वह तो वैसे ही तुम्हारा ही है, पर कंस तो क्रोधित बुद्धि से अपने पिता को और अति पीड़ित व दुख देने का निर्णय कर चुका था। कैसी विचित्र है कर्मों की माया। कंस सेना लेकर मथुरा पहुंचा, पिता को बंदी बनाकर कैद में डाल दिया और वहां वह मथुराधीश बन गया। एक दिन अपने उपकारी वसुदेव जी को मथुरा बुलाते हैं और अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी का विवाह उनसे करवाते हैं। महर्षि नारद ने देवकी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उस समय की तथा सर्वोत्तम नारी रत्न बताया था, तथा विशाल संपत्ति के साथ 10 गोकुलों के अधिपति नंद को भी उन्हें गोकुलों के साथ समर्पित कर देते हैं। बंधुओं, यह तो कंस के जीवन की कहानी है कि कंस कैसे क्रूर बना तथा क्यों अपने पिता को बंदी बनाया। यह कथा बहुत कम लोग ही जानते हैं, इसलिए मैंने इसे सभी के सामने प्रस्तुत करने का भाव बनाया। यह कथा आपको कैसी लगी? यह जैन इतिहास की महत्वपूर्ण कथाएं हैं जिनका बड़ी साधुवंदना में वर्णन आया है। आगे
आगे भी और कई कथाएं लेके मैं फिर से प्रस्तुत होंगी। जय जिनेंद्र।